आज मौजूद है दोस्तों हम किशनगढ़ के शहर में, जहाँ के पुराना हाईवे है यहाँ पर हम मौजूद है और यहाँ पर भी दरगाह, इसी तरह आज हम दीदार कराएंगे। और पुराने हाईवे के ऊपर दरगाह है तो माशा अल्लाह बहुत प्यारी ये दरगाह है और इसी का दीदार हम आपको अंदर ले जाकर अभी पूरा कराने वाले हैं। तो आप अगर वीडियो पर आ गए तो वीडियो पर लगातार बने रहें, वीडियो को आप जरा सा स्किप ना करें। चलिए हम चलते हैं दरगाह शरीफ के अंदर। और माशाल्लाह ये काफ़ी पुरानी दरगाह है, यहाँ पर काफ़ी लोगों का आना जाना लगा रहता है। अभी वक्त के हिसाब से यहाँ पर अभी कोई हमें नज़र नहीं आया, मगर यहाँ पर जो पुरानी मस्जिद है वो आज भी पुरानी चूने की इमारत से बनी हुई है, उसका भी हम नज़ारा कराएंगे। और यहाँ पर जो मजार शरीफ है, 5 पीर की जो दरगाह है इसके बारे में बताएंगे और यहाँ दरगाह का क्या नाम है, कितनी दरगाह है इसके बारे में भी हम आपको पूरा बताएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं और भी नज़ारा यहाँ का दरगाह शरीफ का, जो कि किशनगढ़ पुराने शहर के अंदर ही दरगाह है। और पुराना हाईवे था किसी टाइम पर, यहाँ पर हाईवे पे से गाड़ियाँ गुजरती थी, मगर अभी ये हाईवे बंद होकर नए हाईवे से गाड़ी गुजरती है, इसलिए यहाँ पर लोगों की आवाजाही कम हो गई है। सुभान अल्लाह, ये तरफ देख सकते हैं आज ये दीदार है यहाँ की दरगाह शरीफ का, जो हजरत हैं उनके दरगाह का और इसके भावी यहाँ पर और मजार मुबारक है। ये 5 पीर की दरगाह के नाम से भी ये दरगाह जानी जाती है। हालांकि हमें यहाँ ज्यादा बताने वाले तो कोई शख्स मिले नहीं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पेड़ है, जो हमें यहाँ पर साथ लेकर आए हैं, इन्होंने इस पेड़ के बारे में भी हमें जानकारी दी। और बाहर ये मजार मुबारक देख रहे हैं, ये इनके मुरीद थे, उनका बताया गया है, हमें जिस तरह यहाँ पर बताया गया है इस 5 पीर की दरगाह के बारे में, वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप आस्था मुबारक का ये मेन आस्था है दरगाह शरीफ का, जिनका नाम भी अभी हम आपको बताएंगे। तो इनके बाहर ही ठीक बाहर की तरफ ही जो 5 दरगाह है मजारा थे वो भी हम आपको बताएंगे। देख सकते हैं आप इस तरफ हम जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर 3 मजार हैं और 3 मजार इस हाथ पर हैं। और अभी हम दूसरे हाथ के ऊपर चलेंगे तो दूसरे हाथ के ऊपर भी और भी मजार है। तो चलिए हम चलते हैं इधर की तरफ और दिखाते हैं आपको यहाँ पर बाहर की तरफ भी, आस्थाने के बाहर की तरफ 2 मजार इस तरफ है, इसलिए इस दरगाह का नाम 5 पीर की दरगाह भी बताया गया है हमें। और यहाँ पर जो आप पेड़ देख रहे हैं इसके बारे में भी हमें बताया गया कि एक काफी पुराना पेड़ है यहाँ पर इस दरगाह शरीफ पे। आज इस पेड़ के बनावट से ही इसकी जो उगाई है इसके हिसाब से ही दिखता है कि काफी पुराना पेड़ है। और आपको सामने मस्जिद भी नजर आ रही है, काफी छोटी दरगाह, काफी खूबसूरत यहाँ का माशाल्लाह बहुत अच्छा नजारा है। और यहाँ पर वजू खाना भी आपको बाहर बना हुआ नजर आएगा। तो अभी और दिखाते हैं, अभी हम सामने आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो बोर्ड लगा है दरगाह शरीफ का, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी दरगाह शरीफ की तफसील से लिखा हुआ है यहाँ पर दरगाह के बारे में। और हम यहाँ पर दरगाह शरीफ में फर्स्ट टाइम आए और माशाल्लाह काफी खूबसूरत है ये दरगाह हमें यहाँ पर नजर आई है। तो हमने चाहा कि आपके साथ भी अल्लाह वालों की ये दरगाह का नज़ारा आपके साथ शेयर कर दें। तो आपको ये किशनगढ़ पुराने शहर से ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ये कमेंट करके जरूर बताना। और इस दरगाह के बारे में आप आगे और क्या जानना चाहते हैं ये भी हमें बताना, ताकि हम आगे तफसील से इसकी जानकारी लेके दरगाह शरीफ की आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर सके। तो ये 5 पीर की दरगाह थी जो हमने बताई थी, हम आए थे किशनगढ़ के जो दरगाह है वहाँ पर कवरेज करने दरगाहों को, उसमें से एक दरगाह हमने ये देखी, तो इसका वीडियो भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया। ये अल्लाह वालों के दर हैं जो वहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी मज़ारत है। तो आपको अजमेर शरीफ से और किशनगढ़ और आप अक्सर करके मेरे चैनल पर इसी तरह की आपको वीडियो देखने को मिलेगी मज़ारों और दरगाह से रिलेटेड।